आप लोग, आज हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। अब तो मैं पता होगा मैं हर बार कैरी मिनाटी का रेफरेंस क्यों देता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि मेरे इंट्रो में कोई एंथुसियाज्म नहीं है। तो आज हम बात करने वाले यूट्यूब कमेंट्स के बारे में, जो रिसेंटली स्पैम कमेंट्स में सबसे फेमस है वो ये है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट डूड इज, वो भी गलत इंग्लिश में, अबाउट दिस डूड इज दैट ही नेवर टेक्स क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही अचीव्स समथिंग। He always respects us, the audience and his team, and he is polite in all his videos. We congratulate ourselves on this achievement. More to come. Heart, 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 heart. W. अब ये कमेंट वैसे सब जगह फैला हुआ है, बट स्पेसिफिकली मुझे ब्लॉगर के चैनल पर मिला। उस ब्लॉगर ने हमें वीडियो में बताया था कि वो खुद एडिट करता है, खुद शूट करता है, खुद अपलोड करता है, तो किसको क्रेडिट दे? वो अपने आप को ही क्रेडिट दे कि मैंने ही शूट किया, मैंने ही एडिट किया, प्लीज अपने आप को क्रेडिट दे रहा हूँ तो कमेंट में मेरी ही तारीफ करो। मतलब क्या? तो एक कमेंट जो बहुत पॉपुलर हुआ था उसमें ये था, एक बंदा माँ पे सिंपैथी ले रहा था, फिर ये भी स्पैम कमेंट्स में इतना आ गया था। तो उसमें ऐसा था, अगर आप लाइक करते हो वो कमेंट तो आपकी मम्मी 100 ईयर्स जिएंगी, अगर आप कमेंट करते हो तो 1000 ईयर्स, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो इस चैनल को देन शी इज इमॉर्टल, and if you don't do any of these things, instantly dead. मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कमेंट्स होते हैं जिसमें आप सेल्फ प्रमोशन करो। तो अगर एक बंदे ने कमेंट किया कि आई लव योर वीडियोस, नीचे एक कमेंट आता है, भाई मैंने भी सिमिलरली एक ब्लॉग या वीडियो बनाया है, प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट करो, और वो बंदा एक्चुअली में वीडियो देखता है और फिर उसको फीडबैक भी देता है कि यार देख तेरी वीडियोस इतनी तो अच्छी है बट और ट्राई कर क्योंकि मजा नहीं आया। एक तो सेल्फ प्रमोशन कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, तुम तो पहले ही अपना व्यूअर सेट कर लो दूसरों की ऑडियंस से। और ये जो सेल्फ प्रमोशन वाले होते हैं, इन लोग में गजब का कॉन्फिडेंस है। ये लोग लिखते हैं, माय वीडियोस आर सो कूल, चेक देम आउट। और बंदा भी इतना पागल है कि यस ऑफ कोर्स, आपने तो हमें बोला है देखने के लिए, तो यस श्योर हम तो देखेंगे, हम तो पागल है। नेक्स्ट होते हैं बेइज्जती करने वाले कमेंट्स। अब इसमें ऐसा होता है, दूसरा जो कमेंट करता है वो वीडियो वाले को गालियाँ, अब्यूज या कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे दूसरे की इमोशंस हर्ट होती है। ये मैंने पर्सनली खुद ने फेस कर रखा है, और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी वो वीडियो भी देखी थी जिसमें मैंने उस कमेंट वाले को स्टैंड बैक अपने तरफ से रिप्लाई दिया था, और सीरियसली काफ़ी क्रिंज वीडियो थी क्योंकि मैं एग्जैजरेट कर रहा था काफ़ी। फालतू में मैंने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया जबकि मैं एक छोटी वीडियो बना के बोल सकता था तूने गलत काम किया है, यू शुड अपोलोजाइज एंड दैट्स इट, बट एटलीस्ट आई गॉट एन अपोलॉजी एंड वी स्टिल नॉट फ्रेंड्स। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों के कमेंट्स। अब ये भी मैंने फेस कर रखे क्योंकि मेरे दोस्त, तुम लोग जो देख रहे हो ना अभी, मुझे पता है तुम लोग क्या क्या कमेंट करते हो नीचे, और ये जो तुम 2 मिनट में वीडियो पे कमेंट्स हटा देते हो ना, वो भी मुझे पता है क्योंकि नोटिफिकेशन आते हैं, और डिलीट करने के बाद ये नहीं कि नोटिफिकेशन चले जाते हैं, मुझे फिर भी कमेंट का नोटिफिकेशन दिखता है, तो संभल के रहो। रिसेंटली कैरी मिनाटी को काफ़ी हेट मिल रहा था क्योंकि वो स्किट वीडियोस बनाने लग गए, और लोगों को वो नहीं देखना, लोगों को देखना है गाली गलौज मसाला कॉन्टेंट जिसमें दूसरे को आप बेइज्जती करते जाओ, है ना, पर वो नहीं कर रहे थे वो। तो लोग बोल रहे थे वी वॉन्ट ओल्ड कैरी बैक, और अब की उनकी नई वीडियो जिसमें उन्होंने थारा भाई जोगेंदर को रोस्ट किया है, सब लोगों ने कमेंट में भर रखा है ओल्ड कैरी इज बैक। लाइक तुम लोग तो जी नहीं पा रहे थे ना उनके बिना। एट द एंड द बेस्ट कमेंट्स आर द डिसेंट, द मोटिवेशनल कमेंट्स जिसमें लोग आपको सच में कुछ अच्छा लिख रहे हैं,
और आप लोग को ना उससे खुशी मिल रही है। एज यूट्यूब क्रिएटर वी वॉट वी वॉन्ट इज दैट वी वॉन्ट मोटिवेशन, वी वॉन्ट द व्यूअर्स टू एंजॉय आर वीडियो बिकॉज वी आर मेकिंग इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो अगर आपको ऐसे कमेंट आते हैं कि ग्रेट कॉन्टेंट, गुड जॉब, कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस, तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि येस वी कैन डू मच मोर बेटर। अब ये काइंड ऑफ रोस्ट वीडियो से अलग हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बाकी थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, क्योंकि ये सारे जो कमेंट्स आपको दिख रहे हैं साइड में, ये सब पढ़ के मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कि येस एटलीस्ट देर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्यूअर्स हु एंजॉय माई वीडियो एंड यू नो दे वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज।